और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है सहस्त्रबाहु की इस धरती पर, महेश्वर घाट। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां लेकर आए हैं और अब वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे। इस वोटिंग परसेंटेज की रफ्तार बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। वोट ऑन द बोट, बोट के जरिए आपके वोट की रफ्तार आपकी स्क्रीन पर। देवास में अगर 1 बजे तक की बात कर ली जाए, 52.11% वोट पड़े हैं। तेजी से रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन और ज्यादा तेज इसे किए जाने की जरूरत है। तो लगातार 1 बजे तक के आंकड़े अब आपको हम फटाफट बता देते हैं कहां कितना मतदान हुआ है। धार की बात कर ली जाए, 49.37% वोटिंग अब तक धार में हुई है। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं, धीरे धीरे ये आंकड़े और बढ़ेंगे, ऐसी सुखद उम्मीद सभी को है, आयोग को है, नेताओं को है, पब्लिक को भी है। इंदौर की अगर बात कर ली जाए, बहुत कम रफ्तार, 38.60 1 बजे तक। इसकी वजह ये भी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोचक स्थितियाँ बची नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मतदाता पहुँच रहे हैं। बात खंडवा की कर ली जाए, 48.15% वोट यहाँ पर अब तक पड़ चुके हैं। ये खंडवा की स्थितियाँ हैं और 50% से ऊपर भी कई जगह परसेंटेज गया है, वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। रफ्तार बढ़ाए जाने की ज़रूरत। खरगोन की बात करेंगे, 51.48% वोट यहाँ पर पड़ चुका है और लगातार ये जो आंकड़ा है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। रूरल एरिया की हमने तस्वीर आपको खरगोन की बहुत बेहतर तरीके से इससे पहले दिखाई है। खरगोन के बाद मंदसौर की बात कर ली जाए, 1 बजे तक मंदसौर में 50.39% वोटर घर से निकल कर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर चुका है। हर घंटे हम ये अपडेट आंकड़े आपको बताते हैं और इस वक्त तक की स्थिति में ये मतदान है। रतलाम की बात कर ली जाए, 51.13% ने अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी भी बाकी हैं और इस परसेंटेज को ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, लिहाजा निकलिए और वोट करके आइए। उज्जैन की बात कर लें, 49.71% वोटिंग अब तक यहाँ पर हुई है और ये आंकड़ा उम्मीद है कि ये जो आंकड़ा है और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह से हम इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बेहतरीन तरीके से बताते रहेंगे। आपने अभी देखा वोट ऑन बोट, और वापस अंशिका के पास आपको लिए चलते हैं। अंशिका, बिल्कुल, तो ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपने देखा कि कहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है। और बात करें अगर देश की, तो उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय आपसे करा देते हैं। थोड़ी देर में भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिलहाल गुलरेज शेख बीजेपी के प्रवक्ता और राकेश अचल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। राकेश जी, मौजूदा वोटिंग परसेंटेज को देखकर क्या कहेंगे, क्या कॉमेंट आपका? अभी भी इंदौर की रफ्तार धीमी है। देखिए, मैं इंदौर का जहाँ तक सवाल है, पूरे देश में इंदौर ऐसा अकेला लोकसभा क्षेत्र है जिसमें मतदाता की रुचि को खुद सत्तारूढ़ दल ने अपने अद्भुत प्रयोग से, जो प्रतिद्वंदी दल था उनका कांग्रेस, उसका प्रत्याशी मैदान से हटा करके अपनी पार्टी में शामिल करके किया। तो जनता में वहाँ निराशा है और मुझे लगता है जनता इस कदम का, इंदौर की जनता वहाँ का स्वागत नहीं कर रही है। इसीलिए मतदान का प्रतिशत सबसे कम, 8 सीटों में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम है। लेकिन इससे हटके आप देखेंगे कि जो आरक्षित सीटें हैं 5, जो आदिवासी बहुल सीटें हैं, वहाँ मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि मतदान के समाप्त होने तक ये 70% से ऊपर तक पहुँच जाएगा। और ऐसे में जो चुनाव परिणाम आएंगे 4 जून को, वो बहुत चौंकाने वाले होंगे, इंदौर में भी और बाकी की 7 सीटों पे भी। जी, बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम होंगे। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलरेज साहब, टारगेट आपने बड़ा हाई रखा हुआ है, इंदौर सीट से ही शुरू करते हैं, बड़ा हाई टारगेट आपने रखा है। अब तक वोटिंग पहुँची है तकरीबन 38% के आसपास। देखिए, जो मुझे इंदौर से फीडबैक मिल रहा है हमारे ग्रुप में, पॉलिटिकल ग्रुप में व्हाट्सएप के, तो हमारे अधिकांश पन्ना प्रमुखों का फीडबैक ये है कि हमने 85% कवरेज कर लिया है। तो मतलब बीजेपी का जो वोटर है वो निकल चुका है, और जब 85% उन्होंने एवरेज हुआ है तो ये 100% हो जाएगा, आप मान के चले शाम तक के। जहाँ तक कांग्रेस की बात है या फिर दूसरे दलों की बात है, इनको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को निकालना चाहिए, जो नहीं निकाल पा रहे हैं ये लोग। लेकिन हाँ, जो 370 वोट प्रति बूथ बढ़ाने का हमने बात करी थी वो पूर्ण हो रही है। जी, 370 की जो बात आपने कही वो पूर्ण हो रही है।
पिछले बार का मार्जिन मेरा ख्याल है 5 लाख से ऊपर था, तकरीबन 5.5 लाख के आसपास था। आपको लग रहा है कि इस बार भी वो मार्जिन बढ़ जाएगा अगर कांग्रेस का वोटर नहीं निकलता है तब भी? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमारा जो बूथ पर 370 प्लस की बात है वो पूर्ण हो रही है। जब वो पूर्ण हो रही है तो फिर हमारा मत प्रतिशत बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि जाएगा 7-7.5 लाख तक। जी जी, आपका ये जो संयोग या प्रयोग रहा अक्षय कांति बम वाला, क्या ये उल्टा पड़ गया? नहीं, ये आंतरिक विस्फोट हुआ था कांग्रेस के अंदर बम का। जी, आग कौन दिखा रहा था? अरे गुलरेश शेख साहब, माचिस लिए आप घूमे और विस्फोट कांग्रेस में हो रहा है। जी, ये सभी जगह हो रहा है सर, ये ऐसा नहीं है, ये चाहे गुजरात में हो रहा हो, चाहे दूसरे प्रांतों में हो रहा हो, सब जगह हो रहा है। जब आप नेगेटिव राजनीति करते हो, जब आपका नेतृत्व जो है वो इतना कमजोर होता है कि उसके पीछे कार्यकर्ता खड़ा नहीं होना चाहता। जब अभी मैं देख रहा था अरुण यादव जी को, अब अरुण यादव जी ज्ञान बांट रहे हैं लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या उनको अपनी खुद की खंडवा वाली सीट पे चुनाव लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए था, उससे भाग गए वो। तो जब बड़े बड़े नेता आपके चुनाव लड़ना नहीं चाहते, मैं दिग्विजय सिंह जी को बिल्कुल नफरत करता हूं उनकी उनके विचारों से, लेकिन फिर भी एक बात है, दिग्विजय सिंह कम से कम चुनाव लड़े। लेकिन आपके अधिकांश बड़े नेता अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, तो ये आंतरिक विस्फोट होना निश्चित है जो हुआ है। आधे से ज्यादा बड़े नेता तो कांग्रेस में ही, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ही शामिल हो गए। तो डेफिनेटली देखिए सुरेश जी को देखिए, गजेंद्र जी को देखिए, बीते दिनों में कितने बड़े चेहरे जिन्होंने 30-30 साल से ज्यादा कांग्रेस को दिया। देखिए आप, ये सच्ची है कि मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस में हर इंसान बुरा है, कांग्रेस में भी अच्छे लोग होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि कांग्रेस के कुछ बहुत बड़े स्तर के नेता बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन हमारा दरवाजा खटखटाते रह गए, हमने चटकनी बंद कर दी, ताला डाल दिया कि नहीं आप इस लायक नहीं हो कि आप बीजेपी में आओ। लेकिन जो अच्छे लोग हैं यदि वो चाहते हैं आना तो क्यों नहीं लाएंगे उनको? चलिए ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि अब बीजेपी में जो लोग भी आए हैं कांग्रेस से वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो कांग्रेस में रहते हैं तो फिर आप आरोप लगाते हैं उनको लेकर? गुण दोष के आधार पर ही लिया जाता है। ठीक है, राकेश जी इस बार के ट्रेंड को कैसे समझा जाए? विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के मुद्दे हमने देखे, चेहरा देखा, प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव में भी एमपी में खूब दौरे किए, गारंटी का जिक्र किया, ठीक वैसा ही लग रहा है लोकसभा चुनाव में, सेम ट्रेंड सेम पैटर्न? राकेश जी, चलिए राकेश अचल साहब, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो एक तो आपकी मुस्कुराहट का राज और अंशिका का ये सवाल भी है कि क्या ट्रेंड वही है जो विधानसभा में नजर आ रहा था? राकेश जी प्लीज। ललित जी देखिए, ट्रेंड तो बदल गया है। हेलो, ट्रेंड बिल्कुल बदला हुआ है। पिछले साल जो लोकसभा के विधानसभा के चुनाव हुए थे वो चुनाव दूसरे मुद्दों पर लड़ा गया था, लेकिन लोकसभा का ये चुनाव मुद्दा विहीन चुनाव है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के घोषणा पत्र पर बात करना भूल गई है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जो इस चौथे चरण में बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को चूड़ियां भेजने की बात कर रहे हैं, मुद्दे पर कोई बात वहां भी नहीं हो रही है। तो मुद्दा विहीन चुनाव जब होता है तो उसमें रुचियां ऐसे ही मतदाता की कम होती हैं। फिर भी जो आरक्षित सीटें हैं वहां का मतदाता बहुत मुस्तैदी के साथ मतदान कर रहा है, और आपने देखा होगा कि जो 5 संसदीय क्षेत्र है आरक्षित क्षेत्र, उनके उनकी विधानसभा की 24 सीटों में से पिछले चुनाव में भी आधे से ज्यादा सीटें, 13 सीटें कांग्रेस के पास थी, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और बाकी दीगर 2-3 सीटें दीगर लोगों के पास थी। तो मुझे लगता है कि ये जो गणित मुद्दा विहीन जो चुनाव हो रहा है इस समय सत्तारूढ़ दल को निश्चित तौर पर तकलीफ होगी और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बिना मुद्दों के, मुद्दा तो असली महंगाई का है, बेरोजगारी का है, और ये जो नफरत का मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, जो ये मुद्दा इस संचल में है ही नहीं, लेकिन इस मुद्दे को उछाल करके जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो लोग अपने ढंग से फिर फैसले भी करते हैं। और मुझे लगता है जो गलतियां उनसे 2019 के चुनाव में हुई हैं वो इस चुनाव में वो सुधार सकते हैं। ये प्रायश्चित करने का अवसर है वहाँ के मतदाताओं के लिए, जो उन्होंने 2019 में अपने मोदी जी के भरोसे पर मतदान करके उनके साथ खड़े होने की जो गलती की थी। जी
ठीक है, भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका भी। भूपेंद्र जी, पहला कमेंट तो वोट परसेंटेज को लेकर क्या कहेंगे, सैटिस्फाई है? एक बजे वोट परसेंटेज अच्छी है और इसका मतलब है कि जो अमित शाह जी है उनकी धमकी का असर हुआ है और उसकी धमकी का असर दोनों जगह पड़ा है, अफसरों पर भी पड़ा है और पार्टी पर भी पड़ा है, इसलिए परसेंटेज अच्छी हुई है। हालांकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप 2019 के आंकड़ों को देखेंगे तो ये सारी कांस्टिट्यूएंसी जो है 75% प्लस वाली कांस्टिट्यूएंसी और यहां पर हमेशा से इतने परसेंट पोलिंग होती रही है, तो निश्चित रूप से यहां पर जो पोलिंग जगह इतनी हाई जा रही है तो ये इनका पुराना रिकॉर्ड भी यही कहता है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है और लोगों ने खुलकर अपना वोट का फ्रेंचाइज किया है जी। आप गुलरेश शेख साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भूपेन जी, उनका कहना है कि इंदौर में कांग्रेस का वोटर नहीं निकल कर आया, जिससे आपने कहा था ना कि नन ऑफ द एबव का आपने एक विकल्प दिया कि भाई आप नन ऑफ द एबव चुने, वो वोटर निकल कर नहीं आया, इस वजह से बहुत धीमी रफ्तार है। भूपेन जी, अरे इस कारण से कांग्रेस के वोटर नहीं निकलने के कारण वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, तो इनका जो है 10 लाख से जीतने का जो वो है पूरा होना चाहिए, अभी फंस गई है बीजेपी, चाचा फंस गए हैं 400 प्लस कह के और मामा फंस गए हैं 10 लाख कह के और विजयवर्गीय जी फंस गए 10 लाख कह के, अब ये 10 लाख का आंकड़ा छुए। जब मामा के लिए आप कहना चाह रहे होंगे कि 29 फूलों का जो फूलों की माला वो पहनाने वाले हैं उस पर फंस गए हैं क्या? 10 लाख से जीतने का उन्होंने जो है वो प्रण लिया है और 10 लाख का जो है इंदौर में प्रण लिया है, वो 400 की माला बनाने का जो है श्रीमान जी ने नारा दिया है, तो अब ये चारों जो है अब पूरे हो जाने चाहिए जब कांग्रेस जीरो हो चुकी इनका कहना है, तो अब तो ये सारे आंकड़े पूरे हो जाने चाहिए जी। गुलरेश जी, आराम से, आपने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आराम से रिकॉर्ड टूटेगा पिछली बार का इंदौर में भी, क्योंकि मेरा जो कार्यकर्ता है वो अपने मतदाताओं को निकाल चुका है। मैंने आपको कहा ना कि 85% के लगभग जो पन्ना प्रमुख का काम था वो हो चुका है, वो बाकी भी 100% हो जाएगा और ये 100% जो है वो 370 वोट ऐड करने के बाद होगा। तो कांग्रेस का तो नोटा भी फेल है क्योंकि नेगेटिव प्रचार था और कांग्रेस खुद फेल है और इन्होंने जिनको सहयोग देने का एक तरह से बिना बोले बीएसपी को इन्होंने सहयोग दिया वो भी फेल है और दूसरी जगहों पे भी आप देखिए कि इनकी हालत बड़ी खस्ता है क्योंकि कांग्रेस दिशा विहीन है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो है, मॉरल्स जो है वो बिल्कुल लो है, कांग्रेस का कार्यकर्ता काम ही नहीं कर रहा। मैं उज्जैन में भी घूम रहा था, इनकी जो टेबले हैं उस पे बसते नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, टेबले खाली पड़ी हुई है। तो कांग्रेस ने तो क्षिप्रा के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया है, क्षिप्रा को लेकर कई जो बीजेपी नेता है उन्हें जवाब देना पड़ा। गुलरेश शेख साहब, देखिए इनको क्या है, कुछ चीजें रटा गई हैं, वो चीजें कितनी भी अच्छी हो, क्षिप्रा का शुद्धिकरण एक बड़ा मुद्दा है, आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, जिस तरह से जितनी ज्यादा तादाद में टूरिस्ट आ रहा है लगातार काम चल रहा है, क्षिप्रा जो है वो बहुत क्लीन है और कुछ चीजें ऐसी है जो इनकी जुबान पे जम गई है, उसको वो हर हमेशा बोलते रहते हैं। आंखों देख के मक्की निकलने वाली बात है गुलरेश शेख, गुलरेश जी तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। नदी की मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 2 से 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हर दिन आ रहा है तो ठीक है, कुछ और चीजें करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ की है और भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि इतना टूरिज्म जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि फैसिलिटीज दी जा रही है। चलिए टूरिज्म पे जो सवाल है वो आगे रहेगा मेहमानों से। शैलेंद्र वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, वासु झाबुआ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ का वोट प्रतिशत कितना है, वोटर्स पहुंच रहे हैं लगातार?
बिल्कुल देखिए, अच्छी खासी वोटिंग अगर हम झाबुआ और रतलाम लोकसभा में बात करते हैं तो हो रही है। हालांकि अब एकदम जो तपन है वो बढ़ चुकी है, लिहाजा उसके बावजूद जो ग्रामीण है वो धीरे धीरे करके मतदान केंद्रों पर अभी भी पहुंच रहे हैं। अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है, यानी कि 1 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उनकी अगर बात करें तो 50% से ज़्यादा वोटिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये अम्बुआ क्षेत्र है रतलाम झाबुआ लोकसभा का, और आदिवासी बाहुल्य ये पूरा इलाका है, और यहाँ पर भी लगातार शांतिपूर्ण रूप से जो मतदान है वो जारी है। और आपको कुछ महिलाएं फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही होंगी फ्रेम में, जो मतदान करने पहुंच रही हैं। और एक अच्छा मुकाबला, एक दिलचस्प मुकाबला रतलाम झाबुआ की अगर बात करते हैं तो कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ भी रहे हैं, और उनके सामने नागर सिंह चौहान जो मंत्री हैं सरकार में, उनकी पत्नी अनीता चौहान जो जिला पंचायत 2 बार अध्यक्ष शायद या सदस्य वो रह चुकी हैं। तो दोनों ही कैंडिडेट्स और दोनों ही अगर हम दलों की बात करें तो भरपूर कोशिश यहाँ पर बेहतर करने का, अच्छा करने की गई है। एक और बीजेपी जहाँ कमल के सिंबल को और मोदी जी के चेहरे को आगे रखकर चुनावी मैदान में नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी टीम और जो कांग्रेस का संगठन है वहाँ पर भी कुछ हद तक ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांतिलाल भूरिया के साथ विक्रांत भूरिया जो प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, मशक्कत की है। देखना होगा कि कौन सी पार्टी अपनी बात को प्रभावी रूप से जनता के बीच रख पाई है। और यहाँ पे चूंकि आदिवासियों से जुड़े बड़े मुद्दे हैं, पलायन का एक यहाँ पे बड़ा मुद्दा है, रोजाना यहाँ पर ये तस्वीर आम हो गई है कि बड़ी संख्या में जो आदिवासी हैं वो अपने घरों से निकलते हैं और यहाँ से जो अन्य स्टेट्स की बाउंड्री लगी हुई हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान या गुजरात की बात करें, तो वहाँ पर जाते हैं मजदूरी करने के लिए या रोजगार की तलाश में। तो देखना होगा कि इन तमाम जो बड़े मुद्दे हैं यहाँ के वो कितने हल करने में आने वाले समय के जनप्रतिनिधि सफल होंगे। और पानी की भी समस्या यहाँ पर एक अपनी जगह है और इन तमाम मुद्दों को लेकर ही यहाँ पे मतदान हो रहा है। जी ठीक है, वासु नजर बनाए रखिएगा। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राकेश जी, जो तस्वीर अभी हम देख रहे थे और लगातार सुबह से देख भी रहे हैं, मोस्टली जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स हैं वो बहुत जल्दी वोटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वहां वोट डाल रहे हैं। कई लोग तो सुबह 6 बजे से लाइन में लग गए, काफी ज्यादा जागरूकता उनमें नजर आ रही है एज कंपैरेटिवली शहरी इलाकों में। इसके पीछे का की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए हाँ अंकिता जी, है क्या, दरअसल जो ग्रामीण क्षेत्र है हिंदुस्तान का, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कोई दीगर राज्य हो, उनमें मताधिकार को लेकर के एक बड़ा उत्साह होता है और इस चुनाव को वो एक उत्सव की तरह ही देखते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कुछ अलग हटके है। इस बार अस्मिता का चुनाव है, इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मामला नहीं है। इस बार सीधा सीधा ये है कि जो आदिवासियों की अस्मिता है, खास 5 सीटें बहुल आदिवासी बहुल हैं, तो वहाँ पर उस अस्मिता को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। जब से विधानसभा का चुनाव पिछड़ा हुआ है तब से मध्य प्रदेश की सरकार को आदिवासियों की खैर खबर लेने की फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि उस चुनाव के बाद सीधे वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया। तो जनता में जो एक असंतोष राज्य सरकार को लेकर और उधर केंद्र सरकार को लेकर है, उसको वोट के जरिए प्रकट करने की कोशिश है। और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं कि मतदान का प्रतिशत हमेशा ही ज़्यादा रहता है। और सबसे खास बात और है, पूरे मध्य प्रदेश में सब लोग हमारे साथी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो मत है, प्रतिशत है, वो कम रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो कारोबारी और जो उच्च वर्ग के जो उसके मतदाता पारंपरिक मतदाता है भारतीय जनता पार्टी की, वो कम होते हैं। तो इसलिए हर बार जो बढ़त आती है किसी भी दल को, वो कांग्रेस को खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र से आती है। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि ये जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें कम से कम 3 सीटें ऐसी होंगी जो अप्रत्याशित चुनाव परिणाम देंगी, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रति बूथ पर 370 नए वोटर बढ़ाने की घोषणा भी की थी और उस पर काम भी किया है। लेकिन वो निकले हैं वोटर के नहीं निकले हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंदौर की, जैसे अभी हमारे शेख साहब कह रहे थे, इंदौर में मौजूदा सांसद जो लालवानी जी थे उनको हटा दिया और उनकी जगह दूसरे को ले आए, तो उससे तकलीफ तो वहाँ के लोगों को भी है। तो कई कारण है कि 370 बढ़ेंगे भी, कहीं घटेंगे भी। जी जी जी, भूपेंद्र गुप्ता साहब, रतलाम और धार, मेरा ख्याल है ज्यादा उम्मीदें आप यहां से कर रहे हैं रतलाम धार, इसके अलावा और किन सीटों से उम्मीद है कांग्रेस को? अभी तो आदरणीय जो अंचल जी ने बताया है आपको
तीन सीटों में अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे जी, एक सीट मैं भी इसमें बढ़ा देता हूँ, चार सीट पर अप्रत्याशित परिणाम आएंगे और चारों सीट में जो है मैं नाम तो अभी नहीं लूंगा, लेकिन एक सीट का टोकन इसलिए दे देता हूँ कि गुलरेज भाई हमारे साथ बैठे हैं तो ये जो है अभी ये उज्जैन बचा लें, उज्जैन में भी अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। जिस छिपरा में ये कह रहे थे कि टूरिस्ट आ रहे हैं तो टूरिस्ट क्या पानी पी रहे आ रहे हैं छिपरा का, उसका आचमन करते क्या वो, वहां पर जो है आपने कितना पैसा भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम के तहत जो पानी डाला गया था छिपरा में, उसके घोटाले अभी तो आएंगे जब सामने, तब जनता को पता चलेगा कि छिपरा के साथ कितना धोखा हुआ है और तब पता चलेगा कि एक नाला घुसेड़ दिया सीधा का सीधा छिपरा में, छिपरा का पानी नाले में, नाले का पानी छिपरा में। ये जो है ये सारी चीजें लोग जानते हैं लेकिन चुप इसलिए रहते हैं कि प्रभु की नगरी है, कुछ चीजें अनदेखी करने की कोशिश आदमी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें पाक साफ, सारी चीजें वैसी ही हैं जैसी दिख रही हैं और जैसी महेश परमार ने दिखाई जनता को। तो ये जो है मुख्यमंत्री जी ने रफू करने की कोशिश की, खुद भी तैर के, वो भी एक उनकी अपनी एक सकारात्मक पहल समझ में आती है, लेकिन इसके बावजूद जो उज्जैन की जनता है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, वो सारी हकीकत जानती है और इस हकीकत के कारण आज आप बताइए कि इन्होंने जो है जो भ्रष्टाचार किया था, जो महाकाल लोक बनाने में, उसमें हो क्या रहा है कि जो प्लास्टिक की मूर्तियां उड़ गई तो अब पत्थर की बनाई जा रही, पहले ही पत्थर की बनाई जा सकती थी, अब जो है करोड़ों रुपया फिर पत्थर की मूर्तियों में खर्च हो रहा है। ये जनता देख रही है, अपनी आंख से देख रही है, उसको ये कितना ही पॉलिश लगाए, कितना ही डिस्टेम्परिंग करें, वो हकीकत वहां की स्थानीय जनता से छुपी हुई नहीं। बिल्कुल, और यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको अगर कवर अप करने की कोशिश की जाएगी तो उसका भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रिजल्ट है जो वोट परसेंटेज पर देखने को मिल रहा है। गुलरेज जी, इस बात में बिल्कुल भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस बात को कि जो बड़े मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम शिप्रा नदी पर चर्चा कर रहे थे और अब महाकाल लोक की भी बात हो रही है, तो ये कुछ ऐसे स्थानीय चीज़ें हैं, स्थानीय मुद्दे हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, इससे भी वोटर नाराज है। नहीं, नजरअंदाज तो किया ही नहीं गया है, काम इतना हुआ है कि वो असरअंदाज हुआ है नजरअंदाज की बनिस्बत। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं शिप्रा की, अगर शिप्रा में ऐसा कुछ था तो कमलनाथ सरकार में तो माननीय भाई साहब सीएम हाउस में बैठते थे, आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं निकाला, क्योंकि कुछ था ही नहीं। मैं बार बार यही कहता हूं कि 15 महीने बहुत बड़ा कालखंड होता है, यदि कोई ऐसा घपला घोटाला हुआ हो तो आप कुछ नहीं निकाल पाए क्योंकि सब कुछ साफ पाक था। उसी प्रकार से जो महाकाल लोक पे हुआ था, उस दिन आंधी की गति 80-90-100 की थी, ना ना, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। नहीं 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 गुलरेज शेख साहब, ठीक सुनिए, अच्छा चलिए मैं एड ऑन करता हूँ, मैं एड ऑन करता हूँ, तीसरी बार मूर्तियां लगाई जा रही है, ठीक, पहले तय किया जा सकता था, एक नॉमिनल होता है, इंजीनियर को तो मकान की उम्र बतानी होती, एक सवाल नंबर एक। बीआरटीएस कॉरिडोर बना, करोड़ों लगे, अब बीआरटीएस कॉरिडोर भोपाल से हटाया जा रहा है, ये कौन सी प्लानिंग होती है? गुलरेज शेख साहब प्लीज। देखिए, जब बीआरटीएस बनाया गया था भोपाल में, उस समय मेट्रो नहीं थी और उस समय उसकी आवश्यकता थी। अब आज मेट्रो है, कल से अगर ट्यूब आ जाती है, जैसे लंदन में ट्यूब चलती है, तो क्या आप बोलेंगे कि मेट्रो क्यों हटा रहे हो? देखिए, प्रगति जो होती है वो धीरे धीरे होती है, ऐसा नहीं होता है। जिस समय बीआरटीएस की आवश्यकता थी उस समय बीआरटीएस लाया गया, आज मेट्रो की आवश्यकता है तो मेट्रो लाई गई है, और कल से हो सकता है भोपाल में ट्यूब आएगी, जब ट्यूब आएगी तो ट्यूब के हिसाब से काम होगा। ठीक है गुलरेज जी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए भी हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन उससे पहले न्यूज